ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। आईसीसी ने 2021 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत या डी इंग्लैंड। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप पहले जवाब दे सकें। भागलपुर में शान से लहराया तिरंगा, झंडोत्तोलन के बाद बोले डीएम, लोगों के सहयोग से हराएंगे कोरोना को। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भागलपुर का मुख्य समारोह सैंडिस कंपाउंड में आयोजित हुआ। मौके पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर उनके साथ जिले के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि लोगों के सहयोग और समर्थन से आने वाले समय में कोरोना हार जाएगा। वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सैंडिस कंपाउंड में झंडोत्तोलन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जिले में लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। अभी तक जिले में 50,000 से अधिक टेस्ट कराए गए हैं। सभी प्राथमिक, सामुदायिक, प्रमंडलीय एवं जिला अस्पताल में एंटीजन किट उपलब्ध करा दी गई है। इसके माध्यम से जांच की जा रही है। जिला एवं देश के उन सभी शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को भागलपुर जिला वासियों की ओर से मेरा हार्दिक नमन है, जिनके असीम त्याग एवं अथक प्रयासों के कारण हमारे देश को सदियों की स्वतंत्रता के बाद आजादी प्राप्त हुई। इस पावन अवसर पर आप सभी आगंतुकों, माननीय अतिथियों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी क्षेत्रों में लगभग आत्मनिर्भर हैं। एक समय था जब हम लोग अनाज एवं देश की सुरक्षा के लिए हथियारों का आयात एवं अनाज का आयात बाहरी देशों से करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काफी पिछड़े हुए थे, लेकिन आजादी के बाद लगातार विकास करते हुए आज हम न तो अनाज के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। में भागलपुर जिला के सभी कर्मठ एवं जागरूक लोगों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। अत्यंत हर्ष का अनुभव होता है कि हमारे राज्य द्वारा किए गए संपूर्ण मद्य निषेध, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु चलाई जा रही जल जीवन हरियाली योजना, 7 निश्चय योजना आदि की सफलता ने हमें विशिष्ट पहचान दी है एवं अन्य राज्य। टीएमबीयू में कुलपति प्रोफेसर एके सिंह ने फहराया झंडा। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया। विसी ने सबसे पहले 10:30 बजे कुलपति आवासीय कार्यालय में झंडा फहराया। तदुपरांत पूर्वाहन 11 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर में उन्होंने ध्वजारोहण किया। कुलपति ने झंडे की सलामी ली। पीजी संगीत विभाग की छात्राओं ने सामूहिक राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत की प्रस्तुति दी। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर नवगछिया में शान से लहराया तिरंगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना संकट काल के बीच नवगछिया अनुमंडल एवं नवगछिया पुलिस जिला क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर शान से तिरंगा फहराया गया। नवगछिया अनुमंडल परिसर में नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार द्वारा झंडोत्तोलन के बाद संबोधित किया गया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवेंद्र भारती मौजूद थे। हम लोगों ने पूरे अनुमंडल में इस योजना को लागू करवाया। मुझे यह कहते हुए अपार खुशी हो रही है कि विगत वर्ष मैंने इसी मंच से यह घोषणा किया था कि हमारे क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति राशन कार्ड धारी नहीं है, जो वंचित हैं और योग्य हैं, पात्र हैं, उन सभी को राशन कार्ड दिया जाएगा। विगत 6 महीना में अनुमंडल प्रशासन ने 40,000 से अधिक राशन कार्ड बनवा करके लोगों को वितरण करवा दिया है। आज उन सभी व्यक्तियों को इस जुलाई माह से खाद्यान्न मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न भी अगले नवंबर माह तक मिलना है।
हमारा यह नवगछिया मंडल न केवल कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है बल्कि हमारा इस नवगछिया मंडल का लगभग 10 से अधिक पंचायत जिसमें 50,000 की आबादी प्रभावित है वह बाढ़ की आपदाओं को भी झेल रहा है। हम लोगों ने यह कोशिश की है कि जितना अधिक संभव हो सके हम लोग उनकी सहायता करें। इस बाढ़ आपदा से निपटने में भी पूरे समाज सेवियों का, जनप्रतिनिधियों का, सभी सरकारी कर्मचारियों का एवं सभी आम लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है। सभी सरकारी कर्मचारी, सभी पुलिस कर्मी, सभी सफाई कर्मचारी, सभी कोरोना योद्धाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आप सभी के सुखल और मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वहीं नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवेंद्र भारती द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। नवगछिया पुलिस लाइन में नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के द्वारा झंडोत्तोलन करने के बाद उपस्थित पुलिस पदाधिकारी को संबोधित किया गया। इसके अलावा नवगछिया अनुमंडल एवं पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवास पर झंडोत्तोलन किया गया। इसके अलावे नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्र एवं विभिन्न पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवास पर झंडोत्तोलन किया गया। अपने कर्तव्य के प्रति मुस्तैद रहने और हर प्रकार की चुनौती का मुकाबला करने के लिए आह्वान करती हूँ। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ जय बिहार, जय भारत। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल भागलपुर में शान से लहराया तिरंगा। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल भागलपुर के परिसर में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक ऑनलाइन मनाया गया एवं इस अवसर पर माई आइडियल इंडिया विषय पर वेबिनार का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय की सेक्रेटरी मीना तिवारी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया एवं कोरोना की चुनौतियों से निपटते हुए देश के हित में किसी भी मुहिम या संकल्पों को पूरा करने में भागलपुर गोयंकन बच्चे से अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। वहीं मौके पर विद्यालय की निर्देशिका डॉक्टर निहारिका भारती सहित कई अन्य उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल में बड़े ही शान से झंडोत्तोलन किया गया। मौके पर विद्यालय के निर्देशक राम कुमार साहू, सचिव कृष्ण कुमार साहू, प्राचार्य जरीन बहाव, शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच निर्देशक ने झंडोत्तोलन कर संबोधित किया। मौके पर शिक्षक दिवाकर चौधरी, अमित कुमार, राम बहादुर, नवरत्न, संजीव, उत्तम, अजीत कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। गोसाईगांव पंचायत के मुखिया ने किया झंडोत्तोलन। गोपालपुर प्रखंड के गोसाईगांव पंचायत के निवर्तमान मुखिया सह गोपालपुर मुखिया संघ अध्यक्ष धनंजय कुमार उर्फ दमदम यादव ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया। मौके पर गोसाईगांव पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे। मौके पर झंडोत्तोलन के बाद मुखिया श्री यादव ने सबों को संबोधित किया। बीहपुर प्रखंड के भवनगामा बाजार स्थित होली ड्रीम पब्लिक स्कूल भवनगामा में भी 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन का कार्य विनोद ठाकुर ने किया। मौके पर होली ड्रीम पब्लिक स्कूल के प्राचार्य ने सभी बच्चों और अभिभावकों को संबोधित किया। नवगछिया के आवासीय आइडियल विद्या मंदिर में भी विद्यालय के संचालक प्रमोद कुमार ने झंडोत्तोलन किया। वहीं मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन का कार्य लायंस क्लब ऑफ नवगछिया टाउन द्वारा स्टेशन रोड में हरिकुंज के पास किया गया, जिसमें संस्था के सचिव लायंस सुहास चंद्र वर्मा सोनी के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। वहीं मौके पर लायन डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन पवन सराफ, अजय रुंगचा, लायन मोहन चिरानिया, लायन कमलेश अग्रवाल, लायन विनोद केजरीवाल, लायन अशोक गोपालका सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया की सामाजिक संस्था क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया द्वारा किया गया झंडोत्तोलन। नवगछिया के नंदलाल चौक पर नवगछिया की सामाजिक संस्था क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया के अध्यक्ष चंद्रगुप्त साहा
द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। मौके पर संस्था के सचिव राजीव गुप्ता, मीडिया प्रभारी अशोक केडिया, कोषाध्यक्ष विक्रम भुडोलिया, संयोजक श्रीधर कुमार, उप सचिव संतोष गुप्ता सहित कई अन्य उपस्थित थे। कृपया ध्यान दें, अब एक मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488-8569-88-9234-62-3333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। नवगछिया नगर थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा को भागलपुर जिलाधिकारी ने किया सम्मानित, शहरवासियों ने दी शुभकामनाएं। नवगछिया नगर थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा को भागलपुर जिलाधिकारी द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित करने पर नवगछिया शहरवासी में हर्ष का माहौल है। नवगछिया शहर के कई बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा नवगछिया थानाध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा को सम्मानित किए जाने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई संदेश दिया है। मैं थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा, आदर्श थाना नवगछिया। क्या हुआ तो हल्का थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन मुझे जो नगरवासियों का, नवगछिया के नगरवासियों का जो सहयोग मिला, जब हम भर्ती था, इलाजरत था, तो वहां पर हमको बार बार फोन आता था कि सर कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या दवा ले रहे हैं। इस मुझे बहुत ज्यादा बल मिला और मैं बहुत ज्यादा ही इसमें मैं तुरंत ठीक हो गया। और मैं ठीक होने के बाद और जब कोरोना नहीं हुआ था उससे पहले भी मैं हमेशा निरंतर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करता रहा और अभी भी लगातार मैंने कोरोना से जब ठीक होकर अगर आ गया हूँ उसके बाद भी लोगों को निरंतर जागरूक कर रहा हूँ। जो भी निर्देश मिलता है सरकार द्वारा कोरोना की महामारी के संदर्भ में उसका अनुपालन करवाता हूँ। और नगरवासियों से मेरी अपील है कि वो इस महामारी के प्रति सचेत रहें। भागलपुर में पुलिस पर जानलेवा हमला, कुख्यात अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, दो गिरफ्तार। बिहार में कोरोना महामारी के बीच आपराधिक घटनाएं भी तेजी से बढ़ती जा रही है। भागलपुर में अपराधियों ने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया है। पुलिस टीम के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है जिसमें कई पुलिस कर्मी बाल बाल बचे हैं। पुलिस के ऊपर गोलीबारी करने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। वारदात भागलपुर जिले की है जहां शहर में लगातार मेडिकल दुकान को निशाना बनाने वाले गैंग पर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। भागलपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी उमंग शाह और सुमित शाह को एक देसी कट्टा और एक पिस्टल के साथ अरेस्ट किया है। भागलपुर SSP आशीष भारती ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उमंग और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग भी की गई थी जिसमें कई पुलिस जवान बाल बाल बचे हैं। नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के नेतृत्व में तथा पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसके द्वारा सभी घटनाओं के उद्भेदन में लगातार जांच किया जा रहा था और जांच के क्रम में कुछ अपराधियों के नाम सामने आए थे। CCTV फुटेज प्राप्त हुआ था, उसके माध्यम से एवं अन्य अनुसंधान से उन सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी थी। इसी बीच कल बबरगंज थाना क्षेत्र में एक यह जानकारी मिली कि जो लूटपाट की घटना में शामिल अपराधी है वो बबरगंज थाना क्षेत्र में आया हुआ है और उसके द्वारा आम अपराधियों में, आम लोगों में भय पैदा करने के लिए फायरिंग की घटना की गई है। तो बबरगंज थाना प्रभारी, रायपुर थाना प्रभारी तथा उनकी टीम के द्वारा लगातार तुरंत ही वहां पर पहुंचा गया और अपराधी उमंग शाह को वहां से गिरफ्तार किया गया। हथियार के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ उसकी निशानदेही पे
इस टीम में सम्मिलित अन्य सुमित कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि मुंडी चक्कर रहने वाला था। लगातार इस मामले में अन्य लोग गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है और इसी क्रम में हम लोगों ने तीन अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की है, जो कि जिसके बारे में जो कि गिरोह के ही हैं, जिसमें नारियल सा और उसके अन्य सहयोगी शामिल हैं। इस प्रकार से कुल यह पूरा जो गिरोह है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और साथ ही साथ हम लोग जो अन्य जो मामले जिसमें ये लोग शामिल रहे हैं उसकी उस मामले में भी इनके विरुद्ध चार्जशीट समर्पित करेंगे। अभी तक जो मामला जो जांच में आया है उसमें जो उमंग सा है वो मुजाहिदपुर थाना से डकैती के मामले में तथा गोराडी थाना से चापाकल मालिक से लूट के मामले में जेल जा चुका है और साथ ही ये जो आर्म्स पकड़ाया है इस संबंध में आर्म्स एक्ट की धारा आर्म्स एक्ट के तहत भी इनके विरुद्ध कांड दर्ज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो अन्य अपराधी हैं उनको भी जेल भेजा जा रहा है। कोरोना का कहर, कोरोना में भागलपुर की रैंकिंग सुधरी, सूबे में तीसरे स्थान पर, रिकवरी भी 75%। जिले में शुक्रवार को 65 मरीज मिले थे, इनमें शहर से 5 पॉजिटिव मिले थे। मायागंज अस्पताल की नर्स, लैब टेक्नीशियन, लहरी टोला 0 माइल, चंपानगर के एक एक युवक और कहलगांव रसलपुरा के जमादार संक्रमित हुए थे। राहत की बात यह है कि शहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन 3 दिनों से यह संख्या घट भी रही है। जिले में भी नए मरीजों के आंकड़े में कमी आई है। इसी का नतीजा यह रहा है कि कोरोना मरीजों के मामले में प्रदेश में भागलपुर की रैंकिंग सुधरी है। अब तक दूसरे नंबर पर चल रहा जिला अब तीसरे स्थान पर आ गया है। दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है। एक्टिव केस के मामले में भी जिला सूबे में 15वें पोजीशन पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत भी 75% तक पहुंच गया है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों के पालन होते रहे तो यह रैंकिंग और बेहतर होगी। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय, अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCMLA निशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें msdbihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नौगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-33-9666। हमारा पता है नौगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।